हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान फॉर लैब असिस्टेंट। तो स्ट्रेटजी के बारे में मैंने एक दो वीडियो डाली हुई हैं, इसमें हम न्यू स्ट्रेटजी और किस तरह से पढ़ना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक हैं, तो मैंने इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो कवर किया है। और अगर आपको बायोलॉजी वाला और जीके वाला मोस्टली आपको पता होगा, मैंने पहले से रिकमेंड किया हुआ है कि सिकवाल की बुक जो पढ़ना चाहते हैं, अगर वो भी आपको टफ लगती है तो दच से पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद में बात आती है कि इस वाली वीडियो में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पोर्शन ज़्यादा कवर करने की ट्राई की है, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला फैक्टर है। ठीक है, तो हाँ, तो गाइस मैं इस वीडियो में जो कवर करने वाला पार्ट है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला है। अगर आपको लगता है कि बायोलॉजी वाला पोर्शन भी कवर करना चाहिए मुझे, कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट हैं, बायोलॉजी से बिलोंग करता है उसके लिए, जो बिलोंग नहीं करता है उसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग बना सकता हूँ। तो आप कमेंट में बता देना अगर आपको बनवाना हो। तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में और थोड़ा सा पैटर्न के बारे में और सिलेक्शन गेम प्लान के बारे में। ठीक है, तो गाइस वीडियो को देखते रहना। ठीक है, तो गाइस देखो, टू टाइप के पर्सन होते हैं जो कि हम अपने अलोंग साइड आसपास देख सकते हैं। एक होता है जो गधे की तरह मेहनत करता है, एक होता है घोड़े की तरह मेहनत करने वाला। ठीक है, एक अगर आप इजी प्रोसेस में इजी वाले टॉपिक पढ़ पढ़ के फीलिंग ले रहे हो कि हाँ मैं 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप दोष देते हो किस पे, किस्मत पे। तो आपको ये आपका नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। तो इस स्मार्ट स्टडी के लिए आपको वो पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे जिसमें आपको लगता है कि ये मेरा हो सकता है, या फिर इजी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं बनेंगे, या फिर टफ बनेंगे तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो। ठीक है, तो किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से आपके वीक पॉइंट हैं, उस किस पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे कौन से पढ़ने पड़ेंगे, तो मैंने बताया हुआ है। देखिए, इसमें पहले बात करते हैं फिजिक्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के भी 35 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के भी 30 क्वेश्चन, बायो के जीके की बात करें तो 50 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो फिजिक्स 70 मार्क की, केमिस्ट्री 70 मार्क और बायोलॉजी 60 मार्क और जीके वो 600 मार्क्स, तो टोटली इस तरह से 300 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपका मान लीजिए पिछली बार 40% गया था, आपकी बार थोड़ा पैटर्न वो इजी रखने वाले हैं, पिछली बार की तुलना में इतना भी इजी नहीं रखेंगे, तो आप मान लीजिए आपका 50% से ऊपर आपका सेफ है। ठीक है, तो इसका गेम प्लान के बारे में बात करते हैं, सिलेक्शन के लिए आपको कितने बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे चारों पोर्शन लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा ढंग से। तो फिजिक्स में आपको 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। देखिए, मैं जनरल को लेके यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 8-10% कम कर लीजिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो भी आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, ये नेगेटिव होने के बाद बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और बायोलॉजी के आपको 10 क्वेश्चन, ठीक है, और जीके के आपको 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40, बायोलॉजी में 20 और जीके में हो गया आपके 60, इस तरह से आपके आ गए 160 मार्क्स। 160 मार्क यानी कि आपके 55 पॉइंट समथिंग हो जाएगा आपके। तो ये है बहुत ही सेफ जोन है, मतलब इसमें तो आपका श्योर सिलेक्शन है। अगर आप इसे 10 मार्क भी कम लेके आते हैं 150 पे, उस पर भी आपका श्योर सिलेक्शन है, 50% इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कोई बायो वाला बिलोंग करता है, जैसे बायो वाले सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, उसके मान लीजिए इधर 20 क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन, उसकी फिजिक्स कमज़ोर होती है तो इधर 10 क्वेश्चन कम कर दीजिए। ठीक है, उसकी जीके कम कर लीजिए तो 20 क्वेश्चन इधर कम कर लीजिए, तो भी आपका सेम वही 160 मार्क आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको लगता है आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, आप 35 में से 25 कर सकते हो। ठीक है, इधर 25 कर सकते हो आप, बायोलॉजी के मिनिमम 10 तो करेंगे ही सही, चलो आपसे 10 भी नहीं होते हैं, इधर मान लीजिए आप 5
पांच क्वेश्चन इधर हो गए। फिर आपको जीके में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जीके में आपको 30 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में मान लीजिए आपने 20 कर दिए, ये हो गए 45, 50, 80 क्वेश्चन, तब भी आपका 160 मार्क का रेशियो बन रहा है, यानी कि आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में आप प्लस कर दीजिए, और जिसमें आपको लग रहा है कि आपके कम आ सकते हैं उसमें आप माइनस करके भी अपना सिलेक्शन से और कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे, यह तो हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कितने मार्क्स डिसाइड करने हैं आपको, तो ये आपको एक बार आइडिया पड़ जाएगा कि इतना टफ़ नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में 35 में से 20 अगर जो पढ़ेगा सिंपली वो कर सकता है, ठीक है। और मैं टॉपिक भी बताऊंगा जैसे आप पढ़ के आराम से 20 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी 20 क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते हैं, बायोलॉजी में भी इकोसिस्टम वाले 3-4 पोर्शन हैं जिससे आप 10 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। जीके का आता है पोर्शन 30 क्वेश्चन, वो भी आप इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपके लिए जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि हाँ, तो गाइस सब बात करते हैं मेन टॉपिक्स इन फिजिक्स, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, और आप क्वेश्चन डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पोर्शन आपको अगर टफ लगता है तो छोड़ भी सकते हो, अगर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो वो आप नहीं छोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आए थे तो उसे स्टैंडर्ड मान के मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो लॉजिक गेट्स की बात करें तो उससे दो क्वेश्चन मान लीजिए आप दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि इजी होंगे, अगर आपने पढ़े हुए होंगे तो कितना भी टफ आ जाए वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, तो इन्हें आप दो क्वेश्चन से और मान सकते हो, ठीक है। बाकी बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन भी बहुत ही इजी में आ जाता है, इजी टू मीडियम मान सकते हो, इजी टू मीडियम, जिसमें आप 3 या 4 क्वेश्चन आराम से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, प्लस माइनस हो सकता है, 3 या 4 क्वेश्चन तो आएंगे इसे। अब आता है SHM और रोटेशनल डायनामिक्स। SHM और रोटेशनल डायनामिक्स दो अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें से आप इधर 4 मान लीजिए और इधर भी 3 या 4 क्वेश्चन मान लीजिए, जो कि इसका लेवल होता है इजी टू मॉडरेट, यानी कि कुछ पोर्शन ईजी भी है कुछ टफ भी है, तो आप इधर 8 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डॉपलर इफेक्ट और बिहेव ऑप्टिक्स। देखिए इसमें से पोर्शन जो अगर क्वेश्चन आते हैं तो कुछ इजी भी आते हैं, लेकिन मोस्टली जो लास्ट ईयर आए थे वो 75% टफ थे, यानी कि इसे हम हार्ड टॉपिक्स मान सकते हैं जिस पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इससे आप 3 या 4 क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है। बाकी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये भी बहुत ही इसमें रटने वाला सिस्टम ज़्यादा है, तो इसके भी 2 या 3 क्वेश्चन आप मान लीजिए, ठीक है। तो इधर आप 5 या 6, प्लस माइनस में बोल रहा हूँ, 5 या 6 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। अब आता है थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट। थर्मोडायनामिक्स में हाफ तो मीडियम होता है पोर्शन, हाफ होता है टफ, ठीक है। अब देखिए मैं पढ़ने वाले के लिए बात कर रहा हूँ जो कि पढ़ चुका है या फिर पढ़ रहा है, अब जो नहीं पढ़ता उसके लिए तो सारा पोर्शन आपको टफ ही लगेगा, ठीक है। तो जो मीडियम है, जो ना इजी है ना टफ है, उसमें आपके साइकिल्स आते हैं, रूल आते हैं, गैसियस रूल्स और कुछ किट्स ऑफ लॉ वगैरह आते हैं, वो जितने भी आपके प्रक्रम चलते हैं वो सारे आ जाते हैं। अब टफ वाला पोर्शन आता है, जो टफ क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके हीट इंजन और हीट रेफ्रिजरेटर। तो इसके जो वेराइटी हैं वो ज़्यादा हैं, इसके 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 1-2-3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो इसकी वेराइटी ज़्यादा देख लेना, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने लिखा हुआ है 2 इजी 2 हार्ड, यानी कि इजी वाला पोर्शन आता है उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, ज़्यादा ऐसे हार्ड में नहीं जाएगा, और इधर हार्ड वाले पोर्शन में चला जाएगा तो वो ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि लास्ट ईयर भी बहुत टफ आए थे, ठीक है। तो ये हार्ड मान लीजिए, ठीक है। अब एक पोर्शन है बोर मॉडल, ठीक है, तो ये बोर मॉडल है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है, केमिस्ट्री में भी आता है, तो इसके 3 या 4 क्वेश्चन मान लीजिए जो कि आपके लिए इजी हैं, आराम से कर सकते हो, इजी लेवल है, ठीक है। अब आती है हमारे पास करंट
धारा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी वाला पार्ट, ठीक है। इसके आप दोनों अलग अलग पार्ट हैं, इसके आप तीन इधर मान लो, चार इधर मान लो, तो इसमें छः, 6 to 7 क्वेश्चन आएंगे। और इसका भी मीडियम टू टफ वाला जो क्वेश्चन आते हैं, इजी इतने नहीं आते हैं, और ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा इसका, ठीक है। तो इसे देख लेना, तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है। तो देखिए ये टॉपिक हैं, 6 to 7 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, बाकी ये हीट टेंशन इससे भी 2-3 क्वेश्चन आराम से कवर हो रहे हैं, ऐसे एच एम रोटेशनल डायनेमिक्स इससे 7-8 क्वेश्चन, इसे बिल्कुल मत छोड़ना, इसे करना, और बाकी के लॉजिक गेट से इससे भी आराम से ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे मिला के आपके टोटल 35 क्वेश्चन हो जाएंगे फिजिक्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है हमारी केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी 35 क्वेश्चन है, उसमें मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है पोर्शन, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आप अपने एक सब्जेक्ट बेसिस पे कमजोरियाँ और आपके जो मेन जो आपके सब्जेक्ट हैं जिन्हें आपको इजी लगता है उसमें आप अपना स्कोर कर सकते हो। तो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, इसके 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे दोनों को मिला के, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो इजी है, आयनिक थोड़ा प्रैक्टिस पे है, थ्योरी से नहीं होगा ये, ठीक है, थ्योरी से नहीं है ये, थोड़ा थ्योरी से हटके हो जाता है, ठीक है। अब गैसियस स्टेज है, मैंने बताया हुआ है, इसकी भी वीडियो देख लेना आप, ठीक है। तो गैसियस स्टेज फास्ट रिवीजन मैंने करवाया हुआ है, इसके 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका एक इजी और एक टफ आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये दोनों बेस कॉमन हो जाते हैं केमिस्ट्री में, और ये इजी है, अगर आप एक बार देखो तो देखोगे तो आराम से हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, इसमें 4 to 5 या 6 क्वेश्चन आपके आने हैं, जिसमें से आपके हाफ तो इजी मीडियम आने वाले हैं, हाफ आएंगे आपके हार्ड। कौन सी प्रकार की रिएक्शन है, बॉन्ड पूछ सकता है, संकरण पूछ सकता है कार्बन का, और भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं हाइड्रोकार्बन में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके भी 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि लास्ट ईयर भी आए थे, तो ये इजी है, आराम से हो जाएगी। सॉलिड स्टेट है, ये रटने वाला पार्ट है, ये 4-5 आपको टेबल याद करनी है और पूरा आपका कवर हो जाएगा, थोड़ा एक क्वेश्चन इजी, एक क्वेश्चन टफ, ठीक है। पीरियोडिक टेबल है, इसमें भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, और इसमें से आपके ज़्यादा टफ नहीं बनते, तो इसे मीडियम मान लेते हैं हम। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन वाला पोर्शन है वो आप मान सकते हो, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपसे आ जाएगा। वो पढ़ना कैसा है, थोड़ा पढ़ने के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको ये वाला पार्ट बहुत ही ईजी लगेगा, इससे भी 2-3 क्वेश्चन है। लिक्विड स्टेट है, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन है। एस और पी ब्लॉक है, ये आपको एनसीईआरटी से करने पड़ेंगे, और एनसीईआरटी से करने के बाद में आपके 3 या 4 क्वेश्चन आराम से इजीली कवर हो जाएंगे। अगर मुझे भी मौका मिला तो मैं एस और पी ब्लॉक की बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो साथ में नोट्स अवेलेबल करवा दूँगा। तो गाइस ये था पूरा स्ट्रेटजी और सिलेक्शन गेम प्लान, तो इतने आपको क्वेश्चन करने हैं, और आप देख सकते हो वीडियो में से कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, अपनी वीक पॉइंट्स को पहचानिए, ठीक है। अगर आपको बायो और जीके में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, और तो मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।